जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में तहरीके इंसाफ नाम की इमरान खान की पार्टी है और आज मंजर ये आ गया है कि तहरीके इंसाफ को इंसाफ की जरूरत है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हाल ही में खबरों के हवाले से काफी चर्चित हो रहा है इमरान खान का अरेस्ट होने का वाकया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान पर सियासत का तख्ता पलट होते ही मौजूदा सरकार के नेतृत्व में करप्शन के केसेस लगा दिए गए हैं, जिसके चलते इमरान खान को काफी समय से कोर्ट में पेश होने की दरखास्त की जा रही थी। ऐसे में पाकिस्तान में इस्लामाबाद के हाई कोर्ट पहुंचे इमरान खान को सिक्योरिटी फोर्सेस ने कोर्ट से जबरन गिरफ्तार कर लिया और जहां खबरों के हवाले से काफी लोग इस गिरफ्तारी को गैर कानूनी बता रहे हैं। ऐसे में आगे ये भी बताया जा रहा है कि अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान को 8 दिन की कस्टडी के चलते पाकिस्तान नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो को सौंप दिया गया है। ऐसे में जैसा कि आप जानते हैं कि इमरान खान के अरेस्ट के बाद उनके सपोर्टर्स ने पूरे पाकिस्तान में कोहराम मचा दिया है, जहां पर कई जगहों पर सरकारी हुकूमत की बिल्डिंग्स पर सपोर्टर्स द्वारा हमला भी किया गया है और साथ ही कई जगहों पर पाकिस्तान पुलिस और इमरान खान के सपोर्टर्स के बीच काफी झड़प भी देखने को मिली है, जिसके चलते इस मामले ने काफी आक्रामक रूप ले लिया है। ऐसे में कुछ ऑनलाइन रिपोर्ट्स का आकलन किया जाए तो पाकिस्तान में इमरान खान के अरेस्ट को लेकर वहां के लोकतंत्र को लेकर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, जहां पाकिस्तान के पूर्व वजीर आजम इमरान खान वजीर आजम की कुर्सी से हटाए जाने के बाद काफी सुर्खियों में बने रहे, जिसके चलते उन्होंने पिछले दिनों पाकिस्तान की शहबाज शरीफ के नेतृत्व में मौजूदा सरकार पर काफी बड़े बड़े इल्जामात भी लगाए हैं। और ऐसे में दूसरी तरफ पाकिस्तान की इकोनॉमी के सूरत हाल भी काफी बड़ी चिंता का विषय बने हुए हैं। अब ऐसे में क्या इमरान खान का प्रोटेस्ट और साथ ही पाकिस्तान में एक अनरेस्ट क्या पाकिस्तान के भविष्य को तय करेगा, या फिर क्या जरूरत पड़ेगी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के अंदरूनी मामलों को सुलटाने की, क्योंकि जहां आज की मौजूदा परिस्थिति को देखकर वहां के लोकतंत्र के ढांचे पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो कि आने वाला वक्त ही बताएगा। ये थी द ट्रू हंट चैनल की पाकिस्तान में इमरान खान को लेकर मौजूदा अनरेस्ट सिचुएशन से जुड़ी कुछ हाइलाइट्स। और ऐसे अपडेट्स देखने के लिए जुड़े रहिए द ट्रू हंट से।